नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। दोस्तों, यह है ब्लूटूथ डिवाइस। इसमें पेन ड्राइव लगाकर, मेमोरी कार्ड लगाकर या कोई भी मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इस डिवाइस के जरिए हम म्यूजिक सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये ब्लूटूथ डिवाइस खराब कंडीशन में है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये ब्लूटूथ डिवाइस अगर ख़राब हो जाए तो किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो हम देखते हैं इस डिवाइस को ऑन करके ये डिवाइस चालू होता है या नहीं। तो ऑन ऑफ का बटन ये रहा, हम ऑन करते हैं, देखते हैं ये चालू होता है नहीं। तो देखिए, ऑन करने के बाद ये डिवाइस चालू नहीं हुआ है। अब इस जगह में हम चार्जिंग पॉइंट लगा के देखते हैं ये डिवाइस चार्जिंग लेता है या नहीं। तो चार्जिंग पॉइंट के लगाते हम, तो चार्जिंग पॉइंट को हमने लगा दिया है। अब देखते हैं इस डिवाइस में चार्जिंग ले रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं आप, यहां पर एक रेड कलर की एलईडी लगी है जो कि जल रही है। इसका मतलब यह डिवाइस चार्जिंग ले रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम इस डिवाइस में क्या खराबी है। इस डिवाइस के चारों स्क्रू को हम खोलेंगे। तो इस तरह के एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लेंगे हम और इन चारों स्क्रू को हम खोलेंगे। तो दोस्तों, हमने इसके चारों स्क्रू को खोल दिया है। अब हम इस तरह से उठाकर इस डिवाइस के कवर को हम खोलेंगे। तो देखिए, इसके अंदर इसकी सर्किट बोर्ड ऊपर की तरफ लगी है। तो जो भी खराबी होगी, इस सर्किट के अंदर खराबी होगी या फिर ये बैटरी खराब होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को देखते हैं इसमें क्या खराबी है। तो हम शुरुआत करेंगे ऑन ऑफ बटन से। तो ऑन ऑफ बटन ये रहा, तो हम इसके बटन को चेक करेंगे, ये बटन कंटिन्यूटी तो कर रहा है या नहीं। तो चलिए स्विच को हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो दोस्तों, स्विच को चेक करने के लिए हमें एक मीटर की ज़रूरत पड़ेगी और हम इस मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास मीटर ना हो तो एक एलईडी वाली स्विच बना लीजिएगा जिससे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। तो मेरे पास मीटर है, हम मीटर से ही चेक करेंगे। इस स्विच के दो लेग है, इन दोनों लेग में हम इस मीटर के प्रो को हम लगाकर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे ऑन करने के बाद भी इसकी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही है। हो सकता है ये स्विच बैटरी के वोल्टेज को आगे बढ़ा नहीं पा रहा है और इस सर्किट में करंट नहीं आने की वजह से ये डिवाइस चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस स्विच को हम इसी सर्किट में लगे रहते हुए भी इस स्विच को हम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नारियल का तेल लेंगे और इस स्विच में हम हल्का सा इस तरह से डालेंगे। तो नारियल तेल डालने के बाद हम स्विच को ऑन ऑफ 10-15 बार करेंगे। इसे तब तक करेंगे जब तक ये डिवाइस चालू नहीं हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये डिवाइस अब चालू होने लगा है।
आप इस स्विच को मार्केट में खरीदने जाइए, ये स्विच मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए ये चालू हो चुका है, इसमें एफएम में गाना बजने लगा है। आपको ज़्यादा नहीं सुना सकता इसलिए कि ये गाना इस वीडियो में कॉपीराइट दे सकता है। तो देखिए लाइट जलने लगे, इसका मतलब ये डिवाइस चालू हो चुका है। अब हम इस डिवाइस को जिस तरह था उस तरह से फिट कर देते हैं। उसके बाद फिर से एक बार हम इस डिवाइस को चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसे अच्छी तरह से फिट कर दिया है। अब इस डिवाइस को हम चालू करके देखते हैं ये डिवाइस चालू होता है या नहीं। तो हम बटन को ऑन करते हैं इसके, तो देखिए लाइट जलने लगी है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस डिवाइस को इस वीडियो के जरिए हमने बनाकर दिखा दिया है। तो कुछ काम आप घर में भी कर लिया करें, जब भी इस तरह का डिवाइस ख़राब होता है तो खोलकर चेक करें कि इसमें छोटी मोटी कोई ख़राबी है या नहीं। अगर बड़ी ख़राबी होती है तो आप मिस्त्री को दिखा सकते हैं, और छोटी मोटी ख़राबी रहे तो आप अपने घर में भी इस डिवाइस को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।